हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ऑर्बिट विद इंदु में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने धर्म त्रिकोण की बात की थी, आज उस वीडियो का हमारा सेकंड पार्ट है। 1, 5, 9 हमारे धर्म त्रिकोण होते हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को शो करते हैं। हमारे 4 त्रिकोणों में से जिस त्रिकोण में सबसे ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव होता है, हमारे कर्म उसी तरीके का प्रभाव लेकर के जीवन में आते हैं। सपोज़ करिए, आपके धर्म त्रिकोण में 1, 5, 9 की हम बात कर रहे हैं, तो आपके धर्म त्रिकोण में यदि ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष के जीवन में धर्म की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। मतलब आपके कर्म में कभी भी आप अपने धर्म को अलग नहीं कर पाएंगे। यदि मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है कुंडली दिखाने के लिए या बात करने के लिए आता है आपके पास, तो आप उसकी कुंडली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके धर्म त्रिकोण में यदि मान लीजिए बहुत सारे ग्रहों का इफेक्ट है या ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस व्यक्ति को हम अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ सजेस्ट करेंगे तो वो व्यक्ति बहुत इजीली उसको कर लेगा। लेकिन जब हम व्यक्ति से बात करते हैं तो वो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा अध्यात्म के प्रति कोई रुझान नहीं है, मेरे को अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ है और उसके बाद भी व्यक्ति जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, तो उसको जानने की हम थोड़ी सी कोशिश इस वीडियो में करेंगे। धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 और मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12, इनका जब भी संबंध बनता है या इनके स्वामियों से जब संबंध बनता है, तो ये जो संबंध होता है ये हमारे जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर जाते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे धर्म त्रिकोण में ही हमारी आत्मा की प्लेसमेंट होती है। अब ये हमारी आत्मा की प्लेसमेंट 1, 5, 9 तीनों भावों में से किस भाव में होगी, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ को गहराई से समझने के लिए हम नक्षत्रों का सहारा लेंगे। बिना नक्षत्रों के सहारे के हम अपनी आत्मा की प्लेसमेंट का प्रॉपर पता नहीं लगा सकते। पिछली वीडियो में भी हमने ये देखा था कि किस तरीके से आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है और उस आत्मा की यात्रा कैसे शुरू होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक प्रेजेंटेशन के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पंचम भाव से आत्मा शरीर में प्रवेश करती है जो लग्न तक जाती है। यहाँ पर आत्मा जो है, यानी कि हमारा जो सूर्य है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। मेष राशि यहाँ पर काल पुरुष की होती है, हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर हमारा जो सूर्य है, यानी कि हमारी जो आत्मा है, वो एग्जॉल्टेड होती है, उच्च की होती है। तो मेष राशि में हमारा सूर्य का नक्षत्र भी आता है। आत्मा जब पिछले जन्म से आती है तो अपने साथ पिछले जन्मों के कुछ कर्मों को भी लेकर के आती है। तो ये जितने भी पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, जितना भी लेखा जोखा है या जितना भी स्टोर है, ये सारा केतु के पास होता है। और केतु क्या है, केतु पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। सूर्य के साथ साथ केतु का नक्षत्र भी मेष राशि में होता है, ये हम सबको मालूम है। लग्न में आकर जब आत्मा का शरीर से मिलना शुरू होता है या आत्मा शरीर से मिलती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब तक हमारी आत्मा स्ट्रांग नहीं होगी, हमारी आत्मा एग्जॉल्टेड नहीं होगी, तब तक हमारी जो बॉडी है उसका सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगा। इसे डेवलप करने में हमारी बॉडी जैसे किस तरीके से बनेगी या हमारी पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास हैं उनको लेकर के इस जन्म में हमारा क्या रोल होगा, ये सारा के सारा जो है वो केतु डिसाइड करता है। हम सभी जानते हैं कि केतु जो है वो बॉडी है, केतु के पास हेड नहीं है, सर नहीं है, इसलिए पिछले जन्मों का जो स्टोर होता है वो केतु के पास होता है। अगर मान लीजिए आत्मा यहाँ आपकी कमज़ोर होती है, वीक होती है, तो आपके शरीर में कुछ कमज़ोरी आ सकती है या आपका कोई भी शारीरिक अंग जो है वो परेशान हो सकता है,
इसलिए आत्मा का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम ये जानते हैं कि हमारे जब पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं तो उसमें कुछ जन्मों की मेमोरी भी होती है, तो इस मेमोरी को बुध जो होता है वो केतु के साथ मिलकर केतु की मदद करता है, या कह लो बुध को हम मैसेंजर भी बोलते हैं, तो बुध जो है वो मैसेंजर की तरह काम करता है। हमारी जितनी भी फायरी साइन है 1, 5 और 9, जिन्हें धर्म त्रिकोण भी कहा जाता है, और धर्म का अध्यात्म से बहुत गहरा संबंध है, ये हम सभी लोग जानते हैं। साथ ही साथ अध्यात्म का संबंध मोक्ष से भी होता है, और मोक्ष का कारक भी केतु ही है। मोक्ष कारक ग्रह केतु जो है वो अग्नि या धर्म त्रिकोण में आता है, इसका क्या कारण है, इसको समझने की हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये केतु जो है वो मेष राशि में आके अध्यात्म को भी शो करता है और मोक्ष को भी शो करता है। धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब तक इन दोनों का संबंध नहीं होगा तब तक इसका कोई अर्थ नहीं होता। इस चीज़ को समझने की हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। धर्म क्या है? धर्म है अग्नि, आग, और मोक्ष क्या है? मोक्ष है जल, पानी या किसी भी चीज़ का अंत। तो इन दोनों के जो बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है गंडांता, स्पिरिचुअल नॉट। इसको समझने के लिए हम एक और उदाहरण की मदद लेते हैं। सपोज करिए आग की जब बात होती है, फायर की जब बात होती है, तो फायर का काम होता है पानी को बॉयल करना या पानी को गर्म करना, और पानी का काम क्या होता है? आग को बुझाना। तो ये जो दोनों का जो काम है, ये दोनों जाकर के किसी एक पॉइंट पर मिलकर के ये काम करते हैं। ये जो पॉइंट होता है, इसी पॉइंट पे हमारे सोलर और लूनर जो जोडियक साइन है वो भी आकर के मिलते हैं। सोलर जोडियक साइन होता है हमारा फायरी साइन 1, 5, 9, और लूनर जो जोडियक साइन होता है वो होता है हमारा वाटरी साइन, यानी कि 4, 8 और 12। तो जब हमारा लूनर का और सोलर जोडियक साइन जहाँ पर आकर के मिलते हैं, ये पॉजिटिव इफेक्ट भी देते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारी वर्ल्डली लाइफ के लिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए ये जो पॉइंट है, गंडांता का जो पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वाटरी साइन यानी कि 4, 8, 12 का अंत होता है, तब 1, 5, 9 का स्टार्टिंग शुरू हो जाता है। यही वो पॉइंट है जो आपके स्पिरिचुअल नॉट को शो करती है, जिसे कहते हैं गंडांता का पॉइंट। अगर इस पॉइंट पर कोई ग्रह होगा तो वो फल देने में सक्षम होगा, और वो डिग्री जो होती हैं, वो डिग्री जल तत्व की तो एंडिंग होती है, लेकिन अग्नि तत्व का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक का जो पॉइंट होता है, जो गंडांता का जो पॉइंट होता है, इसमें हमारी 6 राशियां होती हैं और 6 ही नक्षत्र होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, इस जो नक्षत्र होते हैं, इसमें केतु के और बुध के ही नक्षत्र हैं। बुध हमारी मेमोरी है या मैसेंजर की तरह बुध काम करता है, और जब केतु की हम बात करते हैं तो केतु जो है वो लास्ट बर्थ की स्टोरेज भी है। यही वो बिंदु है जहाँ किसी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है, या तीनों त्रिकोणों में की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सूर्य का भी नक्षत्र है और केतु का भी नक्षत्र है। यही जो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, या हमारी आत्मा को यहाँ पर आकर के मोक्ष मिल जाता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव हमारी सूर्य के मूल त्रिकोण राशि होती है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। साथ ही साथ पंचम भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो अपनी खुद की राशि में आ जाता है, इसलिए ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये जो भाव है, लग्न में हमारी जो आत्मा है वो एग्जॉल्टेड होती है, उच्च की होती है, लेकिन पंचम भाव में आकर के हमारी आत्मा जो है वो खुद की राशि में आ जाती है, खुद के घर में आ जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पंचम भाव जो है वो हमारे लग्न से ज़्यादा स्ट्रांग होता है।
यहाँ पर आकर के हमारी आत्मा जो है वो अपनी मदर से सेपरेट हो जाती है, यानी कि फोर्थ भाव, और पंचम भाव में हमारी आत्मा सेल्फ डिपेंड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव में जो है किसी का जन्म होता है या हमारी आत्मा का जन्म होता है। फोर्थ भाव में जलीय राशि में बुध का नक्षत्र आश्लेषा है, जो चंद्रमा की राशि में होने के कारण भी कुछ नेगेटिविटी लिए हुए होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि चंद्रमा और बुध जब दोनों का संबंध बनता है तो ये मानसिकता को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, किसी तरीके की मन में घबराहट पैदा कर देता है। इसको जैसे मान लीजिए जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो होते के साथ ही बच्चा जो है वो रोता है। वो क्यों रोता है? क्योंकि उस समय वो अपनी मदर से अलग हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें तो बच्चे का रोने का मतलब है कि बच्चे का जन्म हो गया है और वो फिफ्थ भाव में आ गया है, सेल्फ डिपेंड हो गया है। तो फिफ्थ भाव में आने पर हमारी जो आत्मा है वो केतु के नक्षत्र मघा से मिलती है, साथ ही जल तत्व को छोड़ कर के हमारी जो आत्मा है वो अग्नि तत्व में आ जाती है। मघा की हम बात करते हैं तो मघा जो नक्षत्र है ये बहुत रॉयल नक्षत्र माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो राजा के समान जीवन जीते हैं या इनको रॉयल लाइफ जीने का बड़ा शौक होता है। फिफ्थ भाव में भी हमारे जो है वो दो नक्षत्रों का मिलन होता है, आश्लेषा का एंडिंग होता है और मघा नक्षत्र का स्टार्टिंग होता है। तो मघा आश्लेषा की जो गांठ है या आश्लेषा का जो नोट है जिसको हम गंडांता बोलते हैं वह जाकर के मघा नक्षत्र में खुल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फिफ्थ हाउस है वो लग्न से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, नवम भाव की। नवम भाव जो है वो हमारे फिफ्थ हाउस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नवम भाव जो है यहाँ पर किसी बच्चे की बात करते हैं या किसी नेटिव की भी बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आकर के अपना जो दिमाग है या अपना जो मन है या अपने जो डिसीज़न है वो नाइन्थ हाउस से लिए जाते हैं। कोई भी बच्चा होता है या कोई भी नेटिव होता है तो वो इस लायक हो जाता है कि वो अपने खुद के डिसीजन नाइन्थ हाउस में आकर के ले सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, नाइन्थ हाउस जो में आने से पहले अष्टम भाव में जलीय राशि भी होती है जहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। अष्टम भाव के जो भी गुण होते हैं वो कुछ नेगेटिव पॉइंट लिए हुए होते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा यानी कि उसका एंडिंग नहीं होगा तब तक हम नवम भाव में जाकर के नवम भाव के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं उसे नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव जो है वो हमारी लॉन्ग डिजीज़ को भी देखा जाता है अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो। साथ ही साथ अष्टम भाव जो है वो मेडिटेशन को भी शो करता है। हम जब गहन साधना करते हैं या अपनी एजुकेशन के लिए रिसर्च करते हैं तब भी हमें अष्टम भाव में जाना पड़ता है, जिसका रिजल्ट जो है वो जाकर के हमें नाइन्थ हाउस में मिलता है। यानी कि जो भी मेहनत हम लोग करते हैं उसका रिजल्ट हमें नाइन्थ हाउस में मिलेगा। यदि हमने कुछ हासिल कर लिया है तो वो उसका एंडिंग जो पॉइंट होता है उसका जो रिजल्ट है वो जाकर के हमें नाइन्थ हाउस में मिलेगा। नाइन्थ हाउस में अग्नि तत्व की धनु राशि का स्टार्टिंग होता है और अष्टम भाव का जो ज्येष्ठा नक्षत्र होता है उसका अंत होता है। और जाकर के ये जो पॉइंट है ये भी हमारा गंडांता का एक पॉइंट है। और जब हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस की तो नाइन्थ हाउस में हमारा केतु का मूल नक्षत्र आता है और मूल नक्षत्र जो है वो वहाँ से हमारी आत्मा की नई जर्नी शुरू हो जाती है। यानी कि एक आपका एंडिंग होता है तो दूसरा आपका स्टार्टिंग का पॉइंट शुरू हो जाता है। अब मूल नक्षत्र का मतलब क्या होता है, मूल का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज़ की जड़ को पकड़ लेना, फिर चाहे वो अध्यात्म हो, हायर एजुकेशन हो, लॉन्ग डिजीज़ हो या फिर आपका मोक्ष हो, यहाँ पर इंसान को कुछ हासिल हो जाता है या ये कह लो इंसान को कुछ गेन हो जाता है जो वो अष्टम भाव से लेकर के आ रहा है। आत्मा की, हमारी जो आत्मा है उसकी नई जर्नी शुरू हो जाती है वो भी नाइन्थ हाउस से, क्योंकि यहाँ नाइन्थ हाउस का जो नैसर्गिक कारक है वो है गुरु, जुपिटर। जुपिटर हमें
सही रास्ते पे चलने की सलाह देता है या सही रास्ता हमें दिखाता है ताकि हम जो एंडिंग करके आए हैं उसको नई यात्रा से, नई शुरुआत से हम कर सकें। इसलिए किसी भी ग्रह की जब हमने देखा होगा कि डिग्री होती है 29 डिग्री होती है, 0 डिग्री होती है या 1 डिग्री होती है, चाहे वो अग्नि तत्व में हो, जल तत्व में हो या किसी भी राशि में हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति या ऐसी जो आत्मा होती है उसे जीवन का बहुत अनुभव होता है। ऐसे ग्रहों के पास एक्सपीरियंस हो जाता है, ये बहुत मतलब हर चीज़ को इकट्ठा करके रखते हैं, स्टोर रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जो ग्रह होते हैं उन्हें जीवन में, वो लोग जीवन में कुछ पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी आत्मा को नया जन्म मिल जाता है। यही वह पॉइंट है जहाँ पर वॉटरी साइन और का एंड हो रहा होता है और फायरी साइन का स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि हमारा लग्न से स्ट्रॉन्ग हमारा पंचम भाव है, पंचम भाव से स्ट्रॉन्ग हमारा नाइन्थ हाउस है। तो ये जो तीनों भाव हैं, ये तीनों भाव आपस में जुड़े हुए हैं। एक भाव का एंड होता है, दो नक्षत्रों के जब एंड होती है तो वहीं से दूसरे नक्षत्र की स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये चीज़ हमें तीनों भावों में देखनी है, हमारे जो धर्म त्रिकोण है। फिर भी यदि मान लीजिए आपके धर्म त्रिकोण में तीनों भावों में से कोई सा भी भाव कमज़ोर है और आप अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कुछ रेमेडी के जरिए उनको हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका लग्न कमज़ोर है, आपके पास शारीरिक बल नहीं है या आपके पास में आपका माइंड काम नहीं करता है, आप उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, तो आप माता काली की आराधना कर सकते हैं या फिर कार्तिकेय की आराधना कर सकते हैं। यदि हम पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपका संतान का है, आपकी एजुकेशन का है। यदि आपको अपनी संतान का सुख नहीं मिल रहा है या संतान की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप अपनी एजुकेशन भी करते हैं, यदि एजुकेशन का भी आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कुछ गेन नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं या फिर शिव की आराधना भी कर सकते हैं। यदि हम नाइन्थ हाउस की बात करते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि हमें हमारा भाग्य वो देने में सक्षम नहीं है जो हम डिजर्व करते हैं, या हमारे पास सक्षम नहीं है हम कि हमें जो कुछ करना है या जो कुछ भी हमने किया है वो हमें हासिल नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम नाइन्थ हाउस के भी रेमेडी कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं या फिर विष्णु की आराधना कर सकते हैं। इससे हमें हमारे जीवन में जितना हमारा संघर्ष होगा उसके हिसाब से हमें उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। तो ये थी धर्म त्रिकोण की हमारी थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी कन्फ्यूज़न है उसको मैं दूर कर सकूँ। और आप लोगों का इस तरीके का सहयोग मुझे हमेशा इंस्पिरेशन देता रहता है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।